स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल समाधान पर। आज चर्चा करेंगे फ्रेंड्स अपन फाइनल एंट्रीज या एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी कि वो प्रोविज़न जो आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के लिए फाइनेंशियल ईयर के एंड में करने होते हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। ये एंट्रीज वो एंट्रीज है जो आपको मास्टर बनाती है आपके अकाउंट में, परफेक्ट बनाती है आपको एक अकाउंटेंट। परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए आपको इन सब एंट्रीज का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। चर्चा शुरू करते हैं आज की। तो दोस्तों, जब आप इन एंट्रीज को करते हैं बिना इन एंट्रीज के जानकारी के या बिना इनकी पोस्टिंग आपके बुक्स में हुए, आपकी जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये फाइनलाइज नहीं होते हैं। तो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो आपके कंक्लूजन्स है अकाउंट्स का, ये आप कर सकें समराइज, इसके लिए ज़रूरी ये एंट्रीज का आपको जानकारी हो। कुछ एंट्रीज है इसमें वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला आता है प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है या आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, दोनों एंट्रीज आपको कवर करनी है इसमें। कुछ आपने FDs बैंक में बुक कर रखी है और उन FDs के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको उन FDs पे जो इंटरेस्ट आपको इस फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा है वो आपको आपकी बुक्स में एंट्री करनी है। सेकेंडली, यदि आपका सेविंग अकाउंट है आपका बैंक में और उस सेविंग अकाउंट पे कोई ब्याज आपको मिला है, तो उस इंटरेस्ट की आपको एंट्रीज अपने बुक्स में करनी है। इसके अलावा, मान लीजिए आपने किसी को कोई अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है, तो आपको जो उस लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिलने वाला है उसकी भी आपको एंट्रीज है वो बुक करनी है। दूसरा आता है जो इंटरेस्ट आपने सामने देना है किसी को। मान लीजिए आपने किसी से लोन ले रखा है, चाहे वो बैंक है, चाहे NBFC है, चाहे आपका कोई परिचित है या दोस्त है या आपके ट्रेड में साथी व्यापारी है, उससे आपने कोई लोन ले रखा है, तो उस पर जो आपको ब्याज देना है उस ब्याज की आपको प्रोविजन करना है। एंट्री देखते हैं अपन। अकाउंटिंग वाउचर्स जनरल एंट्री 31 मार्च की डेट एंट्री करेंगे आप। इंटरेस्ट पेड, मान लीजिए अनसिक्योर्ड लोन आपने लिया हुआ है 1,00,000 रुपए का और आपको 10,000 उस पर ब्याज देना है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट पेड करेंगे 10,000 जिससे भी आपने लिया हुआ है XYZ। मान लीजिए अपन कर लेते हैं ABC, तो आपने ABC से जो पैसा लिया हुआ है अनसिक्योर्ड लोन, और इसको आपको अपनी बुक्स में एंट्री पास करनी है, तो आप इंटरेस्ट पेड डेबिट करके उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब यदि इस इंटरेस्ट के पोर्शन पे आपकी TDS की लायबिलिटी भी दोस्तों आ रही है, तो आपको अकॉर्डिंगली TDS भी इस पर बुक करना है। TDS से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसको ओपन कर देते हैं सेव। इसके बाद दोस्तों आती है एक्सपेंसेस के लिए प्रोविज़न आपको करने होते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं एक समराइज रूप में मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहला हो गया टेलीफोन या मोबाइल। फ्रेंड्स, आपके पास मार्च महीने का बिल जो है वो आपके पास आएगा अप्रैल में, और अप्रैल में पेमेंट आप करेंगे उसका, लेकिन वो एक्सपेंसेस जो हैं वो रिलेटेड है आपके इस फाइनेंशियल ईयर से। दोस्तों, 31 मार्च नज़दीक आ रहा है, आपको अपनी बुक्स की क्लोजिंग करनी है, तो ये क्लोजिंग जो बुक्स की होती है उनमें यही सब चीज़ें कंसिडर आपको करनी है कि ये सब एंट्रीज आपने कर ली, इसका मतलब आपने अपनी बुक्स की क्लोजिंग कर ली है, तो आपको प्रोविज़न करना है। एंट्री आप डालेंगे टेलीफोन, एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर से पर्टेन करता अमाउंट। मान लीजिए 2,000 का बिल है ये, लेकिन आपने अभी पेमेंट नहीं किया, पेमेंट आप करने वाले हैं अप्रैल में, तो यहाँ पे आप टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल खोल लीजिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको कि आपने जितने हेड एक्सपेंसेस के क्रिएट कर रखे हैं, आप उन हेड वाइज ही इनका पेबल का आप अकाउंट बनाइए और इनको आप फिर लास्ट में एक ग्रुप दे दीजिए। मान लीजिए अपन ने टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल बनाया है, इसको आप दे दीजिए यहाँ पे एक्सपेंसेस पेबल का ग्रुप, तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो सब इस एक्सपेंसेस पेबल में आ जाएंगे। तो जब आप इसको व्यू करेंगे
तो एक साथ ये सारे वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे कि आपने जो प्रोविज़न किए हैं एक्सपेंसेस के, उसमें कितना अमाउंट टेलीफोन का है, कितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है, कितना और खर्चों का है। बाकी सारे खर्चे अपन एक एक डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो ये आपने कर दिया टेलीफोन एंड मोबाइल का एक्सपेंसेस, एंट्री कर दीजिए आप सेव। इसके बाद फ्रेंड्स आता है कि यदि आपने कोई रिपेयर्स के अगेंस्ट में एएमसी किसी को दी हुई है लेकिन पेमेंट आप कर रहे हैं उसका बाद में, मान लीजिए आपके यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, आपने लिफ्ट की मेंटेनेंस का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो इस साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है यदि आप बाद में पेमेंट कर रहे हैं, देखिए ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट की है उस पर डिपेंड करता है। कई बार आपको एडवांस में पेमेंट करना होता है पूरे साल का, कई बार आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का होता है कि आप सर्टेन पीरियड के बाद में पेमेंट करते हैं। यदि आपने एडवांस पेमेंट किया है तो वो हो जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आप पहले पेमेंट कर रहे हैं और आगे समय जितना भी आपने दिया है वो आपको उसी समय के अनुसार जिस फाइनेंशियल ईयर में जितना पोर्शन आपका आता है उसके हिसाब से आपको बुक करना है। अब चलते हैं अपन दोस्तों, तीसरा प्रोविज़न आपका इम्पोर्टेंट वो है सैलरी का प्रोविज़न। फ्रेंड्स मार्च की सैलरी आप देंगे अप्रैल में, सब ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी अपनी सिस्टम होती है। कई लोग हैं मार्च की सैलरी 31 मार्च को ही पेमेंट कर देते हैं तो उनको प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो 30 या 31 को ही उस फाइनेंशियल ईयर में ही उस फाइनेंशियल ईयर की सैलरी का पेमेंट पूरा कर देते हैं। मार्च की सैलरी मार्च में ही पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कई जगह पे ये अप्रैल में पेमेंट होता है। कुछ लोग 1 तारीख को पेमेंट करते हैं, कुछ 5 तारीख को करते हैं, कुछ 7 तारीख को करते हैं, जैसा जिसका सिस्टम है। तो अपन को तो मेनली यहाँ पे सीखना है कि यदि पेमेंट उसका अगले फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है अप्रैल की, चाहे वो 4 तारीख हो रही है चाहे 5 तारीख हो रही है, तो अपन को सैलरी का प्रोविज़न करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर सैलरी पे डाल देंगे, मान लीजिए पूरी स्टाफ की सैलरी आपकी है 1,50,000 रुपये मार्च के महीने की आपकी, जो आप पेमेंट करने वाले हैं अप्रैल में, इसको आप सैलरी पेबल में डाल दीजिए। और यहाँ पे आप नरेशन डाल दीजिए, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 प्रोविजन मेड। तो ये आपका एंट्री सेव कर दीजिए। फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट है वो आती है आपकी सीए की ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का भी आपको प्रोविज़न इसमें करना है, क्योंकि आप सीए को ऑडिट कब कराएंगे, आप पहले अपनी बुक्स की क्लोजिंग करेंगे मई जून अप्रैल में, आप अगले 3 महीनों में इसको कंपाइल करेंगे डेटास को, उसके बाद आपके सीए के पास आपके डेटा जाते हैं ऑडिट के लिए। तो आप जाहिर सी बात है कि जो ऑडिट फीस का पेमेंट करेंगे वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही करेंगे, तो आपको इसका प्रोविज़न करना ही करना है। तो यहाँ आप डाल दीजिए ऑडिट फीस, मान लीजिए 25,000 रुपये आपकी ऑडिट फीस है, इसके साथ में आप डाल दीजिए ऑडिट फीस पेबल। अब इसमें फ्रेंड्स आप चाहें तो आपकी जो भी कंपनी है सीए फर्म है उसके नाम से भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या आप इसको ऑडिट फीस पेबल के अकाउंट करके भी इसको एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपने पेमेंट तो एडवांस में किए होते हैं लेकिन वो पर्टेन करते हैं 2 फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि मान लीजिए आपने अक्टूबर में किसी को कोई मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, या किसी और तरीके की आपने एएमसी दी, आपकी मशीनरी इन्वॉल्व है, आपके बिजनेस में मशीनरी होती है जिनके आपको मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट देने होते हैं। तो मान लीजिए आपने अक्टूबर में किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और 1 साल के लिए दिया है, अब आपके वेंडर की कंडीशन ये है कि वो 100% एडवांस लेके काम करता है, तो आपने पूरा पैसा 1 साल का अक्टूबर में ही उनको दे दिया है। अब आपको इसकी एंट्री कैसे करनी है, एंट्री करते हैं अपन अक्टूबर में। जब आप पेमेंट की एंट्री करेंगे, मान लीजिए अक्टूबर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, पेमेंट की एंट्री करेंगे अपन, ये आपका बैंक आ गया, मान लीजिए एबीसी है, इसको आपने पेमेंट दिया है, अपन यहीं पे इसकी एक ही एंट्री करेंगे, कंसोलिडेट एंट्री करेंगे। तो अपन यहाँ पे डालते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब टोटल अमाउंट मान लीजिए आपने 40,000 रुपये दिया है अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स का अमाउंट हो गया आपका इस साल का, और 6 मंथ्स हो गया आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का पोर्शन है पेमेंट आपने अभी कर दिया तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। तो यहाँ पे 40,000 को डिवाइड करेंगे अपन 2 में, तो 20,000 तो हो गया आपका इस साल का एक्सपेंसेस, यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च तक का, लेकिन
मार्च के बाद का जो पोर्शन है वो आप करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आप कर देंगे 20,000 रुपये। और यहाँ पे आप नरेशन डाल देंगे, बींग एमसी गिवन या कॉन्ट्रैक्ट गिवन फॉर द पीरियड, तो यहाँ पीरियड डाल देंगे यहाँ पे, ताकि आप जब भी इस एंट्री को देखें आपको पता लग जाएगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया हुआ है, जो एंट्री पास करी है, वो कितने पीरियड के लिए आपने पेमेंट इसको किया हुआ है, किसको किया हुआ है, वो सब चीज़ें आपको यहीं से देखने को मिल जाती है। अगले साल आपको इसकी एक जनरल एंट्री पास फिर से करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। वो क्या होगी, आप प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने अभी डेबिट किया है, यानी कि आपकी असेट है जो अगले साल इसको आपको अमोर्टाइज करना है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप उस समय क्रेडिट कर देंगे, और जो आपका रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस है उसको आप डेबिट कर देंगे। तो जो 20,000 रुपये बच रहा है प्रीपेड का, वो अगले साल का एक्सपेंस है, तो अगले साल में वो एक्सपेंस आपका बुक हो जाएगा। ये हो गई आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन्स आता है आपका डेप्रिसिएशन का, जितनी भी आपकी फिक्स्ड असेट्स है आपको पता है उस पर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना होता है। F7 करके अपन जनरल में आ गए। जनरल में आप इसका चाहें तो इंडिविजुअल असेट्स का प्रोविजन डाल सकते हैं, एक एक एंट्री। मान लीजिए डेप्रिसिएशन डेबिट करना है अपन को, और असेट की वैल्यू क्रेडिट करनी है, क्योंकि आपको डेप्रिसिएट करनी है असेट की वैल्यू को। आपके पास 5-7 ही असेट्स हैं, तो आप इंडिविजुअल एंट्री भी पास कर सकते हैं, और यदि इससे ज़्यादा है, आपको लगता है कि एक ही एंट्री में करनी है, तो आप उसको एक भी एंट्री में कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा है। सबका टोटल मान लीजिए कंसोलिडेट अपन एंट्री कर रहे हैं, तो सारी असेट्स का मिला के आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट बनता है मान लीजिए 10 लाख रुपये। क्रेडिट आप कर देंगे, मान लीजिए बिल्डिंग है आपके पास जिसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया 4 लैक्स, कार है आपकी, कार का डेप्रिसिएशन का अमाउंट मान लीजिए हो गया 2 लाख रुपये। इसके अलावा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गए, इसका अमाउंट मान लीजिए आपका है 4 लाख रुपये। और भी जितनी भी एसेट्स है, एक टेंटेटिव फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी आपके एसेट्स और उस पर जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो वीडियो डेप्रिसिएशन का अपलोड किया हुआ, आप मेरे चैनल पर जाके उसको कंसिडर कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है उसमें लगभग सारी क्वेरीज मैंने कवर की हुई है। एंट्री कर देंगे सेव अपन, तो ये आपकी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आता है, यदि आपकी सैलरी का प्रोविजन अपन ने किया, लेकिन सैलरी के साथ आपके ऊपर पीएफ और ईएसआई के प्रोविजंस लागू हैं, यानी कि आपकी लाइबिलिटी है पीएफ और ईएसआई पेमेंट करने की, तो आपको पीएफ और ईएसआई के प्रोविजन भी मार्च एंड में करने हैं, क्योंकि पीएफ और ईएसआई का पेमेंट भी दोस्तों जनरली आप अगले महीने में करते हैं, क्योंकि इसकी डेट होती है अगले महीने की 15 तारीख तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो जनरली अधिकतर जो मैंने देखा है वो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में ही लोग इसका पेमेंट अधिकतर करते हैं, तो आपको प्रोविज़न बनाना पड़ेगा मार्च की सैलरी का मार्च में ही। तो आपको ईएसआई और पीएफ का प्रोविज़न भी करना है, ये आप करेंगे। अब सैलरी का भी इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी पेड, मान लीजिए पूरे स्टाफ की सैलरी आपकी है 18,50,000 रुपये, 20 लाख मानते हैं अपन इसको, 20 लाख रुपये आपकी स्टाफ की सैलरी है। इसमें से आपका ईएसआई का अमाउंट बन गया है मान लीजिए दोस्तों 50,000 रुपये। अब ईएसआई में आपको फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे कंसिडर करनी है, वो ये है कि ईएसआई और पीएफ इसमें क्या है कि कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से काटते हैं आप, उसको डिपॉजिट करते हैं, यानी कलेक्ट करके आपको डिपॉजिट करना होता है, जैसे टीडीएस के केस में आप लोग करते हैं, और कुछ हिस्सा उसमें एम्प्लॉयर का लगता है। तो अपन को यहाँ पे 4 लेजर ओपन करने पड़ेंगे, इसमें एम्प्लॉय का ईएसआई आ जाएगा, एम्प्लॉय का पीएफ आएगा, और इसी तरीके से एम्प्लॉयर का पीएफ और एम्प्लॉयर का ईएसआई। तो मान लीजिए इसमें अपन कर देते हैं एम्प्लॉयज़ ईएसआई कंट्रीब्यूशन, तो ईएसआई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया मान लीजिए 50,000 है, और पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया अपन इसको एक बार कर लेते हैं 1 लाख रुपए। बाकी आपकी सैलरी पेबल में चला जाएगा, यानी कि जो नेट अमाउंट आप एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करने वाले हैं। यदि आपकी सैलरी पे पीएफ और ईएसआई लगता है तो आपको इस तरीके से सैलरी का प्रोविजन करना है, और नहीं लगता है तो अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि आपको सैलरी पेड करके सैलरी पेबल करनी है मार्च की, यदि आपने मार्च में पेमेंट नहीं किया है तो सैलरी पेबल चली जाएगी। जब अप्रैल में आप क्या करेंगे,
पेमेंट की एंट्री करेंगे तो सैलरी पेबल को डेबिट करके आप बैंक से क्रेडिट कर देंगे, आपकी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी कंप्लीट। अब आपने इसमें प्रोविजन जो किया है वो किया है सिर्फ एम्प्लॉय के ईएसआई और पीएफ का, ठीक है दोस्तों। अब आपको एम्प्लॉयर का ईएसआई पीएफ भी इसमें बुक करना है, तो जो ईएसआई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और पीएफ का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो आपको ले जाना है ईएसआई पेबल और पीएफ पेबल में। इसकी वजह ये दोस्तों, क्योंकि जो ईएसआई और पीएफ पेबल आप लेजर मेंटेन करेंगे उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन आपको वहाँ पे शो होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको ईएसआई पेबल और पीएफ पेबल में एंट्री ट्रांसफ़र करते जाएं। उसमें क्या आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है और आपके पास कंट्रोलिंग बहुत अच्छी आती है कि चालान जो जनरेट होगा वो दोनों को मिला के जनरेट होता है। अब यहाँ पे अपन एंट्री डालेंगे पीएफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, 1 लाख का ही कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय का है और 1 लाख ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरीके से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक टेंटेटिव अमाउंट मान लेते हैं अपन 50,000 ही है। अब यहाँ पे आपको पीएफ पेबल इसमें ले जाना आपको 1 लाख रुपये और ईएसआई पेबल में ले जाना आपको 50,000 रुपये। अब इस जो एंट्री से क्या है, ईएसआई पेबल और पीएफ पेबल जो अपन ने लेजर बनाया, जो आपकी करंट लाइबिलिटीज है, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो चला गया, एक एंट्री आपको जनरल की ओर पास करनी पड़ेगी। वो बताते हैं अपन को क्या करनी है। वो एंट्री अपन को पास करनी है ईएसआई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो आया था 50,000 रुपये, इसको आपको वापस डेबिट करना है, वहां पर ने क्रेडिट किया था ये नील हो जाएगा, और पीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपये ये आपका नील हो जाएगा। इसके बाद आपको ले जाना है ईएसआई पेबल 50,000 रुपये और पीएफ पेबल 1 लाख रुपये। अब जो ईएसआई और पीएफ का पेबल अकाउंट है उसमें दोनों एंट्रीज आपके क्लब हो जाएगी। जब आप पेमेंट करेंगे चालान का, ईएसआई का एक चालान पेमेंट करेंगे वो आप करेंगे 1 लाख का, 50,000 रुपये एम्प्लॉय के, 50,000 एम्प्लॉयर के। इसी तरीके से पीएफ का भी आप एक ही चालान जनरेट करते हैं, इसमें से 1 लाख रुपये एम्प्लॉय का हो गया, 1 लाख रुपये एम्प्लॉयर का हो गया। तो एक सिंगल एंट्री आप फिर पेमेंट की पास कर देंगे, पीएफ पेबल और ईएसआई पेबल डेबिट करते हुए आपके बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये आपका फ्रेंड्स हो गया ईएसआई और पीएफ का प्रोविजन। इसके बाद फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन आता है आपका इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस फिर एक प्रीपेड एक्सपेंसेस है एक तरीके से, क्योंकि इंश्योरेंस की प्रीमियम का पैसा आप एडवांस में पे करते हैं। यदि मान लीजिए आपने आपके ऑफिस, शोरूम, फैक्ट्री इसका इंश्योरेंस किया हुआ है, प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस किया हुआ है, आपने अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इंश्योरेंस किया हुआ है और आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं, अब जब भी आपका पीरियड है उसके हिसाब से आपको देखना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना पोर्शन काम आ रहा है और आगे की पीरियड के लिए कितना है, उस तरीके से आप इसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर लेंगे प्रीमियम को, और इसमें इस साल का जो पोर्शन है वो आप इंश्योरेंस एक्सपेंसेस में डेबिट कर देंगे, बाकी आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस में बुक हो जाएगा और पेमेंट की एंट्री आप डाल देंगे। अगले साल आपको प्रोविजन का रिवर्सल करना है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट करते हुए आप प्रीपेड को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस का। इसके बाद फ्रेंड्स फाइनल एंट्रीज में एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट आता है टीडीएस एंट्रीज का। टीडीएस चाहे आपका कटा हुआ है या आपने काटा है, टीडीएस से रिलेटेड एक वीडियोज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरा टीडीएस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसमें मैंने क्लियर किया है जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप वो वीडियो कंसिडर कर सकते हैं, तो आपको टीडीएस से लेकर सारी क्लियरिटीज उस पर आ जाएगी। अब मान लीजिए आपने बैंक में एफडी बुक कर रखी है और बैंक ने आपकी एफडी के ब्याज पे कोई टीडीएस का डिडक्शन किया है, तो आपको यहाँ एंट्री पास करनी पड़ेगी टीडीएस, क्योंकि करंट असेट्स है। मान लीजिए 5,000 रुपये का टीडीएस कटा है और इसमें आपकी जो एफडीआर की वैल्यू है, जिस भी बैंक में आपने एफडीआई जैसे अपन ने ले रखा है, इसमें एफडी एसबीआई अकाउंट है, तो इसमें जो बैंक की एफडी है उसकी वैल्यू आपको कम करनी है, या आप सिंगल एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे, टीडीएस डेबिट करेंगे, एफडी को डेबिट करेंगे। एक एंट्री अपन करके देखते हैं, टीडीएस को डेबिट किया आपने, एफडी एसबीआई को डेबिट किया, मान लीजिए टोटल इंटरेस्ट आपका है 20,000 और यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन एफडी कर दिया 20,000, पूरी एफडी पे जो ब्याज मिला आपको वो मिला 20,000 का।
जिसमें से मान लीजिए 15,000 का आपका टीडीएस का डिडक्शन हो गया, तो आपको इंटरेस्ट तो पूरा 20,000 ही बुक करना है, लेकिन 15,000 आपकी एफडी की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो 5,000 रुपये आपका टीडीएस कट जाएगा। इस तरीके से आपको एंट्री सेव करनी है। ये आपकी टीडीएस की एंट्री हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद जो टीडीएस आपने अपने वेंडर्स या सप्लायर का डिडक्ट किया है, उस टीडीएस की भी आपको एंट्रीज करनी है। वो आपको सारी एंट्रीज मार्च के मार्च में कंप्लीट करनी है। मार्च का टीडीएस आप जमा कराएंगे अप्रैल में, तो आपको टीडीएस का प्रोविज़न कर लेना है जो आप अगले फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करने वाले हैं। तो ये दोस्तों मोटा मोटी ये कुछ प्रोविजन्स हैं, या यूं कह लीजिए कि ये वो एंट्रीज है जो एक अकाउंटेंट को परफेक्ट अकाउंटेंट बनाती है, क्योंकि बिना इन एंट्रीज के जाने, बिना इन एंट्रीज को करना सीखे, आपकी फाइनल जो बुक्स है वो तैयार नहीं होती है। चाहे आपका पी एंड एल है, चाहे आपकी बैलेंस शीट है, ये फ्रेंड्स तभी तैयार होगी जब ये सारी एंट्रीज उसमें कंपाइल हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।